हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुलढाणा घूमने के प्रमुख स्थान। बुलढाणा जिला महाराष्ट्र राज्य के अमरावती संभाग में स्थित है। यह जिला 9,680 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में अकोला, वाशिम, अमरावती, जलगांव, जालना और परभणी जिले है। बुलढाणा जिले में खामगांव, मलकापुर जैसे औद्योगिक शहर है। बुलढाणा जिले में धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक त्रिवेणी संगम की विरासत भी है। नंबर एक, गजानन महाराज मंदिर शेगांव। संत श्री गजानन महाराज के पवित्र पदस्पर्श के साथ शेगांव बहुत प्रसिद्ध और धार्मिक स्थान बन गया है। शेगांव, जिसे विदर्भ पंडरी भी कहा जाता है, जो संत श्री गजानन महाराज के प्रकट स्थान है। श्री गजानन महाराज मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है। श्री की समाधि मंदिर की गुफा में है। शहर की हलचल से दूर शेगांव ग्रामीण जीवन की सरलता और सहजता को देख सकते हैं। पास में एक सुंदर पार्क है जिसका नाम गजानन वाटिका है और यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। देश विदेश से हजारों भाविक यहाँ आते हैं। नंबर दो, आनंद सागर। आनंद सागर बुलढाणा जिले के शेगांव में एक मनोरंजन केंद्र है। श्री गजानन महाराज मंदिर ट्रस्ट ने शेगांव में आने वाले भक्तों के लिए लगभग 350 एकड़ भूमि को आध्यात्मिक और मनोरंजन केंद्र के रूप में आनंद सागर को विकसित किया है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए सुविधाएं है। यहाँ पर मत्स्यालय और एक छोटी ट्रेन भी है। आनंद सागर में एक ध्यान मंदिर भी है। नंबर तीन, सिंदखेड़ राजा। सिंदखेड़ राजा बुलढाणा जिले में स्थित है। यह गांव छत्रपति शिवाजी महाराज की मां साहेब राजमाता जीजाबाई का जन्मस्थान है, इसलिए सिंदखेड़ राजा को एक अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है। मां साहेब जीजाबाई के पिता लखुजी राजे की हवेली, रंगमहल, कालकोट, लखुजी राजा की समाधि, गंगा सागर, बाल समुद्र नाम के कुएं है। मराठा सेवा संघ ने सिंदखेड़ में अपने स्वयं भूमि के स्थान पर जिजाऊ धर्मपीठ और जिजाऊ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया है। नंबर चार, लोणार सरोवर। लोणार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण इस झील में 2007 में खोजा गया था। लोणार झील दुनिया की सबसे अनोखी झील है। लोणार झील के पास घने जंगल भी है। वेल दोस्तों, ये तो थी बुलढाणा जिले के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।